तेरह तारीख को मैं अपने क्लाइंट जो मेरे नोन है अनिल कुमार, उनके साथ मैं बालूगंज थाने में FIR रजिस्टर करवाने गया था। हम लोगों ने पुलिस को कहा कि अनिल कुमार के FIR आप रजिस्टर कीजिए, जो भी इनकी क्वेरी है, क्योंकि उन्हें पुलिस थाने के बाहर ही कुछ लोगों ने मारा और पीटा। तो इसलिए मुझे कॉल आया कि आप चलिए और हमें इस तरह से FIR रजिस्टर करवानी है। अचानक से पुलिस थाने में ऐसा हुआ कि पुलिस थाने के बाहर भीड़ थी स्टूडेंट्स की, और भीड़ और पुलिस वालों का क्लैश हुआ आपस में। उस क्लैश के दौरान पुलिस वालों ने क्या किया, मैंने उन्हें कहा कि मैं अधिवक्ता हूं और मैं अनिल कुमार जी के साथ FIR रजिस्टर करवाने आया हूं। तो उन्होंने उस भीड़ में से कुछ स्टूडेंट्स को उठाया और साथ ही मुझे भी उठाया। उस समय पुलिस वालों में से कुछ ऐसे लोग थे जो कि अल्कोहलिक कंडीशन में थे, उन्हें कोई सुध नहीं थी। पहले वो लोग बिल्कुल सही तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने छात्रों पर भी लाठी चार्ज किया और मुझे बेवजह उन्होंने 9 बजे से रात के 1 बजे तक डिटेन रखा। और हमें बाहर तो मारा ही गया, लेकिन अंदर हमें पुलिस कस्टडी रूम में ले जाकर जितने भी पुलिस के ऑफिसर्स वहां थे, इंक्लूडिंग DSP, इंक्लूडिंग SHO, SI, कांस्टेबल, जितने भी ये लोग थे, जितने भी उस समय वहां पर लोग रह रहे थे उस थाने में, वो सब बारी बारी से आते रहे और स्टूडेंट के साथ मुझे बेवजह पीटते रहे। मैंने उन्हें कहा कि जनाब मैं अधिवक्ता हूं और मैं इस तरह से कंप्लेंट रजिस्टर करवाने आया था, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी, उल्टा ये ताना मारा गया कि तेरी वकालत हम लोग निकालते हैं। जब ASP और SP मोनिका बटुंगरू वहां पर आए तो मैंने ASP के सामने ये पूरी बात रखी। उन्होंने कहा कि यू कैन मूव कंप्लेंट एंड वी विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। तो उसी संबंध में आज हम लोग SP ऑफिस आए हैं। आज हम लोग ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन, जो हमारी अधिवक्ताओं की एक यूनियन है, उसके थ्रू, वैसे मैंने पिछले कल भी उन्हें लिखित में एक कंप्लेंट दे दी है, लेकिन आज हम फिर से इस प्रकरण के ऊपर शीघ्र अतिशीघ्र कोई कार्रवाई पुलिस अमल में लाएं। अन्यथा जो लीगल कोर्स है वो तो होगा ही, एसोसिएशन है वो भी अपने लेवल पे इसके खिलाफ एक्शन लेगी, इसलिए हम मेमोरेंडम देने आए। ये जब पूरा इंसिडेंट हुआ तो मेरा ये जो स्पेक्स है ये बिल्कुल टूट चुका था। मुझे उन्होंने बाद में बुलाया, मैंने कहा कि मेरा स्पेक्स बिल्कुल टूट गया है और मेरी नजर बहुत कम है, मैं देख नहीं पा रहा हूं। मैं उनकी शक्लें पहचान सकता हूं लेकिन मुझे नाम पता नहीं है। मैंने अपनी कंप्लेंट में भी ये मेंशन किया है कि जनाब मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन हाँ आई कैन रिकॉग्नाइज देम। 6 तारीख की घटना है, 9 बजे रात को उन्होंने हम लोगों को डिटेन किया। किस ग्राउंड पे डिटेन किया मेंशन नहीं है, ना उन्होंने कुछ मुझे कोई पत्रचार उन्होंने दिया। जब हमारे अधिवक्ता साथी आए तो उन्होंने कहा कि यहां किसी तरह का कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जिसे डिटेन किया गया हो। तो ये व्यवहार जो है, ये व्यवहार मुझे नहीं लगता है कि किसी को टॉलरेट करना चाहिए। ये कस्टोडियल वायलेंस है जिसके अगेंस्ट DK बासु की स्पष्ट गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने इशू की गई है, सभी थानों में वो लगी होती है। इतने पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे काम हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें स्टैंड लेने की जरूरत है, अन्यथा ये तो कभी किसी को भी उठा देंगे और किसी भी केस में अंदर रखेंगे। तो ये तो टॉलरेट नहीं होना चाहिए। ये लीगल कोर्स है सर, लीगल कोर्स में जो भी सबऑर्डिनेट, जितनी भी अथॉरिटीज थी, उनके सुपीरियर ये है। मेरा फर्स्ट काम बनता था कि इन्हें इंटीमेट किया जाए इस चीज के ऊपर, ताकि ये कॉग्निजेंस लें। ये नहीं लेते हैं तो कोर्ट का रास्ता है, कोर्ट संज्ञान लेगा और कोर्ट के साथ साथ जो फ्रेटर्निटी है वो भी अपने लेवल पर जितना पॉसिबल हो सकता है एज पर लॉ वो करेंगे।